नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आशा रखते हैं आप सब लोग सही सलामत हैं, खुशहाल हैं। तो आज मेरा वीडियो है जो पार्ट टू, जो मैं पार्ट वन ऑलरेडी डाल चुका था बंगाली में, तो आज मैं पार्ट टू बनाने जा रहा हूँ हिंदी में, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों से रिक्वेस्ट आ रहा है कि भाई हिंदी में बनाओ, तो मैं इसलिए हिंदी में बना रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का सीरीज है जो लेसन नोन फैक्ट्स अबाउट इंडियन रेलवे का पार्ट टू। तो चलिए आज भी 10-11 आप लोगों को लेसन नोन जो घटनाएं हैं, लेसन नोन जो चीजें हैं इंडियन रेलवे के बारे में, वो सब बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला है कि लॉन्गेस्ट नॉन स्टॉप रन, मतलब दोनों स्टेशन में सबसे लंबा कितना डिस्टेंस में ट्रेन रुकती नहीं है, चलती है, तो वो है आपका जो हजरत निजामुद्दीन से त्रिवेंद्रम राजधानी एक्सप्रेस, वो 1-2-4-3-1, 1-2-4-3-2 जो ट्रेन है उस, वो ट्रेन वडोदरा और कोटा के बीच 528 किलोमीटर नॉनस्टॉप चलती है। तो इट इज द लॉन्गेस्ट नॉनस्टॉप रन, और ये वडोदरा आपको पता है गुजरात में और कोटा है राजस्थान में, तो ये डिस्टेंस क्रॉवर करने के लिए ये ट्रेन लगभग 6.5 घंटा के आसपास टाइम लेती है। नेक्स्ट है कि इंडियन ट्रेन में सबसे ज्यादा स्टॉपेज कौन सा ट्रेन का है। तो अभी तो बहुत सारा ट्रेन कोरोना के वजह से बंद है और पता नहीं चालू होगा कि नहीं। तो अभी जो फिलहाल जो ट्रेन चल रही है कलकत्ता जम्मू तवई एक्सप्रेस 1-3-1-5-1, 1-3-1-5-2, उसका सबसे ज्यादा स्टॉपेज है इंडिया में, 79 स्टॉपेजेस है। और ये ट्रेन चलती है सियालदा से, बंगाल से सियालदा से जम्मू तवई तक जम्मू एंड कश्मीर में। तो इसके आगे और एक ट्रेन चलती थी हावड़ा अमृतसर एक्सप्रेस बोल के, इसका नंबर मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है, 1-3-0-0-5 तो अमृतसर मेल का नंबर था। तो वो अमृतसर एक्सप्रेस में 109 स्टॉपेज तक। तो अभी कोरोना के बाद ये ट्रेन बंद है, तो अभी जो फिलहाल जो ट्रेन चल रही है उसमें ये ट्रेन ही सबसे ज्यादा स्टॉपेज देती है। तो अभी थर्ड है, ये शायद आप लोगों को पता होगा, ये लेसन नोन फैक्ट्स नहीं है, ये कॉमन फैक्ट्स है कि सबसे लंबा ट्रेन इंडिया का, सबसे लंबा सफर तय करता है कौन सा ट्रेन इंडिया में, तो वो है बिबेक एक्सप्रेस जो असम के डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तमिलनाडु तक रवाना होती है। और ये ट्रेन का नंबर है 5905 और 5906। ये ट्रेन आपको पता ही है असम, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, आपका 7 स्टेट होके गुजरती है, तो सबसे लंबा ट्रेन है। इसके बाद शायद है हिमसागर एक्सप्रेस जो जम्मू तवाई से कन्याकुमारी जाती है। इसके बाद है कि लॉन्गेस्ट रनिंग ईएमयू ट्रेन, लॉन्गेस्ट रनिंग ईएमयू ट्रेन कौन सा है इंडिया में। तो बहुत लोग, मेरा दोस्त लोगों को पता था कि ये ट्रेन कोलकाता डिवीजन में चलती है हावड़ा से कटवा, लेकिन वो गलत है, 144 किलोमीटर है हावड़ा कटवा रेल लाइन। और गाजियाबाद मथुरा जो ईएमयू लोकल है वो सबसे बड़ा किलोमीटर कवर करती है, 165 किलोमीटर बिटवीन यूपी गाजियाबाद और मथुरा यूपी के बीच। नेक्स्ट है लॉन्गेस्ट रनिंग मेमू ट्रेन, जो मेमू ट्रेन होती है उसमें सबसे लंबा कौन सी जाती है, तो वो है आसानसोल वाराणसी मेमू पैसेंजर। आप सोच लीजिए आसानसोल से लेके, बंगाल के आसानसोल से लेके वाराणसी तक ये ट्रेन जाती है, और ये लोकल ट्रेन है, मेमू ट्रेन है, तो 481 किलोमीटर ट्रेवल करती है। ये भी एक चौंकने वाले फैक्ट है। नेक्स्ट है सबसे छोटा डिस्टेंस कवर करने वाला ट्रेन, वो कौन सा है। तो कोरोना से आगे नागपुर से अजनी तक एक लोकल ट्रेन या पैसेंजर ट्रेन चलती थी, लेकिन फिलहाल कोरोना की वजह से वो बंद है। तो नागपुर अजनी थी सबसे स्मॉलेस्ट डिस्टेंस ट्रेन, मतलब नागपुर से अजनी है करीबन 2.5-3 किलोमीटर। तो अभी जो ट्रेन चल रही है उसमें सबसे छोटा ट्रेन है ये सत्रागाछी शालीमार लोकल, जो आप लोगों को पता है बंगाल के सत्रागाछी से शालीमार भी एक टर्मिनल स्टेशन है, तो उसमें चलती है। नेक्स्ट है, ये भी शायद आप लोगों को पता होगा, ये भी बहुत कॉमन फैक्ट है कि सबसे इंडिया का फास्टेस्ट ट्रेन कौन सा है। तो आगे पहले था शताब्दी था, उसके बाद गतिमान एक्सप्रेस आई, उसके बाद जो वंदे भारत, उसका एवरेज स्पीड है 180 किलोमीटर पर आवर, गतिमान का है 160 किलोमीटर पर आवर, और शताब्दी राजधानी का एवरेज दुरंतो का 130 किलोमीटर पर आवर। सो सबसे फास्टेस्ट हुआ वंदे भारत एक्सप्रेस। नेक्स्ट है स्लोएस्ट ट्रेन, तो अभी आप लोगों को चीज बताता हूँ। तो स्लोएस्ट ट्रेन बोला जाता है मेट्टुपलायम ऊटी का जो टॉय ट्रेन है उसको, क्योंकि ये 4 घंटा में करीबन 45 किलोमीटर कवर करती है। तो उसका पीछे भी रीजन है, ऐसा नहीं कि वो ट्रेन 10 किलोमीटर पर आवर स्पीड में चलती है, उसका ट्रेन का बहुत सारा वाटर स्टॉप है, क्योंकि मेट्टुपलायम से जब ट्रेन कुन्नूर चढ़ती है उसका ग्रेडियंट है और वहाँ पे स्टीम इंजन चलती है, तो स्टीम इंजन को चलाने के लिए पानी लगेगा और बहुत सारा वाटर स्टॉप है रास्ते में, एडरली है, आपका हिल ग्रोव है, रानी मेड है, ऐसा 3-4 स्टेशन में वो स्टॉप देती है, बहुत टाइम से रुकती है और पानी लेती है, तो इसलिए ये ट्रेन स्लोएस्ट ट्रेन हो गया। बट
ये स्लोएस्ट मतलब 10 किलोमीटर स्पीड से चलती नहीं है, चलती है अराउंड 25-30 किलोमीटर स्पीड से, लेकिन फुल टाइम मिला के जो डिस्टेंस कवर करती है वो हो जाता है, ये एवरेज अगर निकालेंगे तो वो 10 किलोमीटर के आसपास होता है। तो ये अभी आप जान के रखिएगा। नेक्स्ट मैं आपको दिखाऊंगा कि इंडिया में कितना यूनेस्को जो यूनेस्को एक्रेडिटेड वर्ल्ड हेरिटेज ट्रेन है, ठीक है। तो अभी इंडिया में फिलहाल 3 ट्रेन चल रही है, 3 ट्रेन रूट है जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज एक्रेडिटेड है, और 2 मतलब ये पाइपलाइन में है कि नियर फ्यूचर उन दोनों को भी डिक्लेयर किया जाएगा कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज एक्रेडिटेड है। तो व्हाट इज द फर्स्ट वन, कलका शिमला रेलवे, पता ही है आपको, मोस्ट ब्यूटीफुल रेलवे लाइन इन इंडिया, जो ट्रेन छूटती है कलका से और शिमला जाती है, कलका हरियाणा और शिमला HP। तो शायद आप लोग चढ़े होंगे इस ट्रेन में, मैं 2 बार चढ़ चुका हूँ ऑलरेडी, तो इसका सीनरी मतलब बोलने के बाहर है, मतलब बोल के एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, तो ज्यादा बोलने का जरूरत नहीं, आप जान के लिए जान लीजिए। नंबर 2 है दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, जो न्यू जलपाईगुड़ी बंगाल से दार्जिलिंग तक छोड़ती है। तो और एक फैक्ट बोल देता हूँ कि न्यू जलपाईगुड़ी दार्जिलिंग जो दार्जिलिंग हिमालय चलती है, ये है इंडिया का एकमात्र रेलवे जिसमें आपका जेड लूप मिलेगा। मतलब सब जगह में लूप तो मतलब सर्कल टाइप का होता है, लेकिन यहाँ पे जेड लूप भी है, थोड़ा आगे जाके जेड का जो जेड जेड बराबर मतलब जेड को समझ लीजिए, जेड कैसा दिखता है कि zigzag way पे, वैसे यहाँ पे बहुत सारा लूप है कि सामने जाती है फिर पीछे डायगोनली ऊपर चढ़ती है फिर सामने जाती है, तो ऐसा बोला जाता है इसको जेड लूप। 7 जेड लूप है और 2 फुल लूप है जिसमें से एक है बताशिया लूप। और ये भी जान लीजिए कि दार्जिलिंग हिल रेलवे का जो ट्रैक है उसका सबसे छोटा मतलब सबसे छोटा मतलब गैप है दोनों रेलवे के बीच, सबसे कम स्पेस वाला गैप है, सो वो है 2 फुट का स्पेस है, जो करीबन जो बाकी नैरो गेज ट्रेन है कालका शिमला या नेरल मैथेरन वो 2.6 फुट का होता है, लेकिन ये है जस्ट 2 फुट का, सो नैरोएस्ट ट्रेन गेज है ये दार्जिलिंग हिल रेलवे। अब नंबर 3 है, अब मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, नीलगिरी माउंटेन रेलवे, जो नैरो गेज नहीं बोला जाता उसको मीटर गेज बोला जाता है, क्योंकि ट्रैक का गैप है 1 मीटर। तो ये 3 यूनेस्को एक्रेडिटेड हेरिटेज रेलवे है, और भी 2 चल रहा है उसको स्टेटस पाने वाला है, अभी तक नहीं पाया है। तो उसमें से एक है नेरल मैथेरन जो महाराष्ट्र में जाती है, 20 किलोमीटर का जो डिस्टेंस कवर करती है नेरल से मैथेरन। और दूसरा है ये कांगड़ा वैली रेलवे जो पड़ती है मतलब पठानकोट पंजाब से जोगिंदर नगर हिमाचल प्रदेश के बीच, और इस रास्ते में आपका कांगड़ा वैली कांगड़ा स्टेशन आता है, और यहाँ से कांगड़ा वैली उतर के आप धर्मशाला डलहौसी भी जा सकते हैं, वो बहुत नज़दीक पड़ती है। तो ये हो गया आज का पार्ट 2, कैसा लगा आप लोग बोलिएगा कमेंट करके ज़रूर कि अच्छा लगा और क्या क्या मतलब अच्छा कर सकते हैं, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ बने रहिएगा ऐसे बहुत सारा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए। तो चलिए आज साइन ऑफ करते हैं और बहुत जल्द आएंगे नेक्स्ट एपिसोड लेकर। थैंक यू।